तेरे डायमंड एग्जीबिशन में रॉबरी होने वाली है। कौन बोल रहा? अबे इडियट, टाइम वेस्ट मत कर, उनके पास AK-47 है, रोक सको तो रोक लो। मानी आज तो सब लोग देखे हो, और धूम देखे हो ना, जिसमें विलन को ही हम लोग हीरो मानते और हम चाहते हैं वह पर वो चोर जीते। और ठीक ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर नया फिल्म आया है मुकंदर का सिकंदर करके। तुम्हारी बायोपिक का टाइटल है सिकंदर का मुकंदर और उसका डायरेक्टर हूँ मैं। ये चोरी का कहानी है और ये चोरी इन तीनों में से कोई करेगा और अंका सिंह तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। क्लाइमैक्स भले ही तुम प्रेडिक्ट कर लोगे पर अंका सिंह देख के तुम शॉक हो जाओगे। कितने के होंगे ये रेड सॉलिटेयर? 50 करोड़ के होंगे। कितने के? 60 करोड़ के भी हो सकते हैं। 60 करोड़ की हीरे का चोरी है जिसको ढूंढते ढूंढते 15 साल लग गया। और सच कहे हमें भी मजा आया फिल्म देख के, तो चलो तुम्हें भी कहानी सुनाते। कहानी है चोर पुलिस का, और जब चोर को लाचार गरीब इनोसेंट दिखाते हैं ना तो हम सब उसी चोर को सपोर्ट करते हैं। और यह भी वही हुआ, 3 चोर और 1 पुलिस वाला, जिसके बीच मैं तो चोर को ही सपोर्ट कर रहा था। खैर कहानी आज से लगभग 15 साल पहले 2009 का मुंबई में एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ पर डायमंड का एग्जीबिशन होने वाला था, जहाँ पर 100-200 करोड़ की हीरे दिखाने वाला था। और तभी अचानक से फोन आता है कि वहाँ पर एक चोरी होने वाला है, 4 लोग मिलकर करेगा वो चोरी। तेरे डायमंड एग्जीबिशन में रॉबरी होने वाली है, उनके पास AK-47 है, रोक सको तो रोक लो। तब इसी बीच सब चोर बंदूक बैग गन लेके घुस जाते हैं शॉप में, पर पुलिस वाला अलर्ट था इसीलिए कोई भी कुछ चोरी नहीं कर पाया, बल्कि पुलिस वाला तो सबको एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन अब शुरू होता है कहानी। उस भागदौड़ के बीच कोई 5 लाल हीरा चोरी कर लिया था जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 60 करोड़ के ऊपर था। और तभी एंट्री होता है जिमी शेरगिल की। तो भगवान की कसम खा के बोल, मैं कैसा आदमी हूँ? मैंने आपके जैसा हरामी आदमी दुनिया में नहीं देखा है। जिमी सर के लिए पर एक पुलिस वाला है जिसका पूरा 100% रिकॉर्ड है उसका केस सॉल्व करने का, इसीलिए बंदे का इंस्टेंट से 3 लोगों को पकड़ते हैं कि इन्हीं में से चोर होगा। और फिर इन तीनों को ले जाता है पुलिस स्टेशन जहाँ पर पहला शख्स था मंगेश देसाई, दूसरा कामिनी सिंह, तीसरा सिकंदर शर्मा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक था पुलिस वाला का। और ये सब बंदे वहाँ पर ही काम करता था। मंगेश देसाई 32 साल से वहाँ मैनेजर था, कामिनी सिंह लास्ट 3 महीने से वहाँ पर काम कर रहा है, और सिकंदर शर्मा वहाँ का कंप्यूटर टेक्नीशियन था। अब पुलिस वाला अपना मर्जी से उन सबको ले जाता है जेल और अच्छे से धुलाई भी करता है। और यही चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है पुलिस वालों का, अपना काम निकालने के लिए कुछ भी करता है, पर इतना कुछ करने के बाद भी उनके पास प्रूफ नहीं था कि ये तीनों में से कोई चोर है। अब कहानी शिफ्ट होता है 15 साल बाद अबू दुबई में, जहाँ सिकंदर अपना ऑफिस में काम कर रहा था, और 15 साल बाद अब वो इंडिया आने वाला है। फिर पुलिस वाला जिमी शेरगिल को दिखाया जाता है, देवदास बना हुआ है, दारू पी के पड़ा रहता है, अब तो उसको पुलिस का नौकरी से भी निकाल दिया है। और उस केस के बाद जब कोई प्रूफ ही नहीं कर पाया कौन चोर है तो सबको बज्जत बेरी कर दिया। फिर भी वो पुलिस वाला उसका पीछा नहीं छोड़ा। सिकंदर जब भी कोई काम करने जाता था या फिर कुछ करने जाता था, वो पुलिस वाला अपना सोर्स लगा के उसको हटा देता था। उसे भगौड़ा करार करो, वारंट निकलवाओ उसका, नौकरी से निकलवाओ साले को। उसको काम से निकाला, उसको घर से निकाला, बल्कि उसको शहर से भी निकाल दिया ताकि सिकंदर परेशान होकर उसका चोरी किया गया हीरा निकाले और पुलिस वाला उसको पकड़े। लेकिन आज 15 साल बाद वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ना कि वो हीरा अभी तक मिला। तब जिमी सिकंदर को कॉल करता है और बोलता है, भाई मेरे को माफ कर देना, मैंने तेरा जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये बोल के माफी मांग लेता है सिकंदर से। अब हीरो बोले तो फिल्म का विलेन जो है वो तो यही चाहता था सुनना, जिसके लिए वो 15 साल से तड़प रहा है, क्योंकि 15 साल पहले जो चोरी हुआ था हीरो का वो इसी ने किया था। लेकिन 15 साल से उसने ना हीरे को देखा या फिर हीरे को छुआ, क्योंकि जब हीरा चोरी हुआ था ना तब वो प्लान करके हीरा पास कर दिया था एक नर्स की मदद से। क्योंकि जब पुलिस वाला रॉबरी करने वाला गैंग के बीच फाइट हुआ था ना तो सब पुलिस वाला और रॉबरी वाले को मार दिया था, और उस सबका लाश लेने के लिए हॉस्पिटल से लोग आया था जिसमे से एक लड़की भी थी, और उसी ने सिकंदर का मदद किया था क्योंकि वो लड़की सिकंदर को मनी मन पसंद करता था और उसी के घर के सामने रहता था। अब 15 साल बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, उससे माफी मांग लिया पुलिस वाला ने, तो अब वो आता है उस लड़की के पास और अपना हीरा लेता है। लेकिन निहाई कहानी खत्म नहीं होता है, असली खेल तो खेल जाता है जिमी भाई साहब। उसने जो नाटक दिखाया था ना, माफ कर देना भाई मेरे से गलती हो गई, वो सब उसका प्लान का हिस्सा था ताकि सिकंदर अपना हीरा निकाले और उसको पकड़े। और सिकंदर भी ऐसे ही किया, वो हॉस्पिटल वाला दोस्त के पास जाता है, हीरा निकालता है, तभी पुलिस वाला उसको पकड़ता है। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों के साथ भी बहुत कुछ हो जाता है, उसका नौकरी चला जाता है, डिवोर्स हो जाता है, और तो और सिकंदर के हाथों से मार भी पड़ता है। पर अंत में चोर तो पकड़ा जाएगा, जैसे धूम में अभिषेक बच्चन पकड़ लिया था जॉन को, मनी हाइस्ट में प्रोफेसर को पकड़ लिया था, और इस बार सिकंदर का मुकद्दर खत्म किया जिमी शेरगिल ने।
लेकिन भाई अंत का सीन ऐसे खत्म करेगा ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैं तो बार बार बैक करके देख रहा था क्या यही अंत है या फिर इसके आगे भी कुछ सीन आने वाला है, पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर कुछ। क्योंकि देखो चोर तो पकड़ा जाता है और जिमी से गिला पुलिस वाला भी नहीं है और सिकंदर से ऑफर भी करता है पैसा देने का, तो फिर क्या होगा सिकंदर का? क्या वो जेल में जाएगा या फिर दोनों पैसा आपस में बांट लेगा? ये कुछ नहीं दिखाया सिनेमा में। और देखो इसका पार्ट टू भी आएगा, इसका भी कोई हिंट नहीं दिया अभी तक। तुम ही बोलो अगर ऐसे मूवी खत्म करेगा तो कैसे लगेगा? मेरा तो दिमाग खा गया, क्या खेल खेल दिया डायरेक्टर ने। नीरज पांडे इस फिल्म का डायरेक्टर है जिसने एमएस धोनी, स्पेशल 26 और बेबी जैसे फिल्म बनाए और उसका फिल्म बहुत अच्छा भी होता है। खैर तुम बताना तुम किसे गेस कर रहे थे, कौन इन तीनों में से चोर होगा, वो बुढ़ा अंकल या फिर तमन्ना या फिर सिकंदर? मैंने तो भाई साहब जिमी सर्गिल को ही शक किया था, उसी ने हीरा चुराया होगा और जानबूझ को तीनों के ऊपर वो ब्लेम दे रहा था। पुलिस है ना, कुछ भी कर सकता है। खैर आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, कुछ एक नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय।